रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। इस समय पूरे देश दुनिया में कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है, जिसका नजारा आप लोगों ने देखा ही होगा। पिछले दिनों सड़कें सुनसान थी, लॉकडाउन का दौर था। उस दौर में रीवा के अकबर खान ने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में आसानी से एक आम आदमी नहीं सोच सकता। मैं आपको दिखाऊं, ये एक साइकिल यहां पर दिख रही है। इस साइकिल के बारे में मैं अकबर भाई से खुद पूछूंगा, इस साइकिल को उन्होंने क्या बनाया। जहां तक उनका कहना था, जो मेरी बातचीत हुई, लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से 300-400 किलोमीटर दूर से हिमालय दिखने लगा था, वातावरण में एक शुद्धता आ गई थी, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था, नदियों का पानी साफ हो गया था। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद शासन प्रशासन जो काम नहीं कर पा रहा था वो उनने किया। उनका कहना था दीपावली और तमाम त्यौहार लोग पॉल्यूशन की वजह से नहीं मना सकते, पॉल्यूशन ना हो एक वजह वो थी। दूसरा उनका कहना था, जब वो बैंक में नौकरी करते थे, टहलने जाया करते थे, उस दौरान बड़े बूढ़े बुजुर्गों को पैदल चलते देखते थे, जबकि साइकिल में भी जो लोग चलते थे वो थक जाया करते थे, साइकिल उनको ढंगानी पड़ती थी। वो उन लोगों की परेशानियों को देखकर उनने सोचा, जब तक मन होगा साइकिल चलाएंगे, उसके बाद आराम से 5 रुपए के खर्च में 1 किलोमीटर ये साइकिल चलेगी, 90 किलोमीटर ये साइकिल चलेगी। इसका सीधा समर्थक खर्च ना के बराबर, आसानी से अपने घर आ जाएंगे। हम उन्हीं से पूछते हैं साइकिल की क्या खासियत है और क्या सोच के उन्होंने साइकिल बनाया। इसमें एक्सीलेटर है, ये जैसे मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर रहता है, इसमें भी एक्सीलेटर है। जैसे आप एक्सीलेटर लेंगे, जितनी स्पीड लेंगे आप, ये इसे ये काम करना शुरू हो जाएगी। इसमें 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड है, ज़्यादा इसलिए कि इसमें 40-50 की स्पीड दिया गया। इसको भी कम भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। कहीं भी चढ़ाई हो, जंगल हो, पहाड़ हो, कहीं भी ये चढ़ सकती है। इसमें डबल बैटरी को दिया गया है, 18 बैटरी का पावर दिया गया है, जिससे कि हम चढ़ाई में हैं, जंगल में, पहाड़ में हैं, तो कहीं भी ये साइकिल रुके ना। और ये कहीं भी पंचर भी हो जाती तो 10 रुपये का खर्च होता है। इसके अलावा इसमें कोई जीरो मेंटेनेंस है, और कभी गुटका भी ब्रेक का खराब हो 5 रुपये में गुटका आता है। और मीटर है, जितना आप स्पीड लेंगे उतना ये करेंगे। इसके यहाँ इंडिकेटर है, दोनों में जिधर हमको साइड में मुड़ना है तो उधर मुड़ जाएंगे। ये हमारा हेडलाइट है जो सौर ऊर्जा से चलती है, ये जैसे शाम हो जाएगी, दिन डूबेगा, ये ऑटोमेटिक अपना काम करना शुरू कर देगी। और इसमें ये भी है कि कहीं कोई किसी का कोई दुर्घटना हो गया, रास्ते में गिर गया, तो अपन इस लाइट से उठा के इसको 2-3 मीटर तक इसको ले जाके, और उसको फर्स्ट काइट से भी हम उसको ड्रेसिंग कर सकते हैं। ये किस तरीके से काम करती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कहीं कोई गिर गया, और गाड़ियों में है केवल लाइट लगी, आप जला दिए, बुझा दिए, सौर ऊर्जा से लाइट चलती है। और हम इमरजेंसी भी किसी भी चीज़ में 12 बोर्ड में इसको खोज के, इसके कोई इमरजेंसी पीरियड है, कहीं कोई ऐसी एक्सीडेंट हो गया, बाढ़ आ गई, कोई बात हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई अंधेरा है, कहीं ऐसी रास्ता है, तो 2-2.5 मीटर तक ये इसको ये डोरी हम ले जा सकते हैं। और किसी भी गाड़ी में भी खोज के ले जा सकते हैं, किसी भी 12 बोर्ड के हम जिसमें मोबाइल चार्ज में खोज सकते हैं, जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें भी हम ये खोज सकते हैं। इसको आप लगाइए, सीधे ये लाइट काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद इसमें ये डिस्प्ले है, इसे यहाँ पे लगा हुआ है, नीचे उसका 10 मेगापिक्सल का मोबाइल है। ये साइकिल कहाँ जा रही, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी लड़की कहाँ है, अगर ये साइकिल चला रही तो उसमें आपको घर बैठे आपके मोबाइल के ऐप में सब ये बताता जाएगा इसमें जी क्या हुआ है इसका। और ये आपका अभी जैसे ये होगा, ये पीछे का इंडिकेटर, ये पीछे इंडिकेटर जो लगा है, ये है ना, जिधर हम मुड़ेंगे ये इंडिकेटर काम करना शुरू कर देगा। ये इसमें फर्स्ट है, पूरा दवाइयाँ रखी हैं, ड्रेसिंग पैड है, सभी चीज़ है, डिटॉल है, ट्यूब है, पट्टी है, कि कल कोई हो जाए तो हम निकाल के इसको तत्काल उसको भी सुविधा दे सकते हैं। अकबर भाई की साइकिल, जावेद अंसारी की, 5 रुपए में 90 किलोमीटर, ये सुनने में लगेगा आश्चर्यजनक, लेकिन ये सच है। साथ ही यह भी सच है, सौर ऊर्जा से ये इसकी जो लाइट है वो सौर ऊर्जा से काम करती है, कहीं भी जाना हो। साथ में इसमें एक ऐसा फास्ट एड बॉक्स भी लगा रखा है, जहां पर एक दवाइयां रखी, जरूरी चीज़ें, लाइट को आप निकाल के कहीं से भी चार्ज कर सकते हैं, बैटरी, तमाम वो चीज़ें जो आज के दौर में ज़रूरी होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब एक पढ़ा लिखा आदमी आविष्कार करता है तो आज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वो आविष्कार करता है। जिसका जीता जागता उदाहरण जिस साइकिल पे मैं बैठा हूँ, ये वो साइकिल है। मैं अकबर भाई से अभी ये भी कहूँगा कि ये साइकिल जरा दिखाएं, चला के दिखाएं,
आपको जरूर आश्चर्य लगेगा, वो पैडल नहीं मारेंगे लेकिन साइकिल अपने आप चल रही होगी, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जो भी अकबर भाई ने बनाया है, जिस तरीके से उनका प्रयोग है, वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। अब देखना है इस प्रयोग को अकबर भाई किस तरीके से आगे तक ले जाते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।